नागलक्ष्मी मंदिर चार मीनार हैदराबाद, ये जो आप जो ये जो माता आपको स्वयंभू मूर्ति दिख रही है, ये साक्षात स्वयंभू मूर्ति है। माता जी यहाँ पर साक्षात विराजमान है और ये यहाँ पर शुभ दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अपने धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, तीन दिन तक माता का यहाँ पर जो खजाना के रूप में दिया जाता है, पहले उसकी पूजा और बड़े ही हिसाब से पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद पूजा करने के बाद जो कॉइन दिया जाता है, तीन दिन बाद वो पूजा करने के बाद वो कॉइन सबको दिया जाता है, सभी भक्तों के लिए। इस खजाना के लिए सभी भक्त बड़े ही सुचारू रूप से और बड़े ही प्रेम भाव से इसको लेते हैं। किस लिए लेते हैं कि हमको यहाँ पर यह जो खजाना के रूप में लेते हैं, बरकत के रूप में होता है। इसे अपने घर पे और तिजोरी में रख करके हम एक साल तक अपने सुखपूर्वक अपना हमारा व्यतीत होगा और माता की हमारे ऊपर कृपा बनी रहेगी सदैव। हमारे घर में जो है बरकत के रूप में हमारी लक्ष्मी हमारे स्थिर रूप में हमारे घर पर निवास करेगी, हमें सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगी और उसी तरह उनकी उम्मीदों पर माता जी सदैव उन पर कृपा बनाए रखती हैं। यही इनका यहाँ पर सबसे बड़ा प्रभाव है, इस जो खजाना के रूप में दिया जाता है। आप देख रहे हैं कितनी पब्लिक आ रही है, फुल नाइट पूरी रात पब्लिक बराबर लाइन में लग करके और उस प्रसाद का खजाना के रूप में सभी लोग प्राप्त करके जा रहे हैं और माता की जयकारी लगाते हुए। यही माता का जो है चमत्कार है। बोलो भाग्यलक्ष्मी माता की जय। हैप्पी, यह दिवाली का शुभ पर्व है और ये हैदराबाद में बहुत पहले से मानता है और यहाँ पर ये माता है, ये सभी भक्त आकर यहाँ पर इस माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और दर्शन करके सब लोग प्राप्त करके जाते हैं जी। यहाँ पर जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, प्रसाद को खजाना के रूप में जो प्राप्त करते हैं, जिसे जिसे मालूम है वो लोग सब लोग आके यहाँ पर लेके जाते हैं। कई लोग आ जा करके यहाँ से उसका लाभ लेकर के और प्रसाद लेकर के जा चुके हैं। ये तीन दिन पाँच दिन तक रहता है, तीन दिन तक हम लोग पूजा करते हैं और पाँच दिन तक भाई दूज तक इस प्रसाद को सब लोगों को दिया जाता है। जो भी भक्त लोग इस भीड़ में नहीं आ सके, कुछ कारणवश नहीं ले पाए हैं, दूसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन आते हैं, ऐसे यहाँ पर सब लोग करके कैसे भी सब कुछ जो खजाना है खजाना को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे मिल गया है और सब लोग खुश सुखपूर्वक ले करके जाते हैं और उनकी जो कामना है उनकी पूर्ण भी होती है। मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ दर्शन करें तो बहुत अच्छा, एकदम अपन जो मन में सोचे सो करे सो एकदम अपना पूरा अच्छा होता है, एकदम कोई फिक्र की बात नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग कम से कम 15 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, माता के दर्शन के लिए कम से कम 4 घंटे लाइन में ठहरे हुए हैं, रात 10:30 बजे से ठहरे हुए हैं। माता रानी की बहुत भीड़ है और बहुत प्यारा दरबार सजा है माता रानी का। हम आते हैं कम से कम 4 साल से, हम यहीं रहते हैं सिटी कॉलेज पे, माता के पड़ोसी है और हर साल आके मैं चांदी माता का खजाना लेता हूँ और दो दो तीन तीन घंटे भी ठहरता हूँ और माता की दया से मैं हर साल आके एक एक सिक्का लेके रखता हूँ और मैं फैमिली को भी लेके आता हूँ हर साल। हम हैदराबाद के है, हम दुलपेट के है और दुलपेट से तकरीबन लोग आते और हैदराबाद से कई लोग आके भाग्यलक्ष्मी माता की दर्शन करके और आउट ऑफ कंट्री से भी आते लोग यहाँ मिल दर्शन के लिए और दिवाली में खास तौर और नेक्स्ट डे भी भीड़ होती रहती है, पूछो मत के 2-3 घंटे 4 घंटे भी हो तो दर्शन करते लोग। मेरे को 2.5 से 3 घंटे हो गए लगता है दर्शन करके, लेकिन फिर भी मैं ऐसा महसूस नहीं होता कि हाँ माता का शक्ति है कि ठहरने के बाद भी हमको दर्शन होते हैं, खजाना मिलता है, हम लेके प्रसाद लेके घर को आते हैं हर साल। 3 घंटे नहीं दर्द तो कुछ ऐसा कुछ भी मैं सुनी, हर साल साल में एक बार तो आता है तो माता के दर्शन करने के हर साल में हम 3 घंटे या 5 घंटे भी ठहरने के महसूस नहीं होता। 3 घंटे ठहरो या 4 घंटे ठहरो महसूस नहीं होता, ये 5 मिनट में यानी देरी हो रही है, 10 मिनट में देरी हो रही है, मालूम नहीं होता है। दर्शन करने के बाद मालूम नहीं होता है ऐसा वो है। वेरी ग्रैंड स्टाइल, ऑल 5 डेज देर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेशन विच विल बी डन, सो एवरी डे देर विल बी ए न्यू डेकोरेशन ऑन माताजी where there will be 100 of people who will be taking darshan of the Mataji. On Deepavali there are lakhs of people who will be coming and taking the blessings of Mataji. On every year on Deepavali the coin distribution will be done, which is said to be a Mataji khazana, every year after 7 p.m. This is one of the oldest temple and well known in old city. It has so many people have a
scientific reason, and so many feel that they come here to take the blessings of Mata Lakshmi ji. Acha. जहाँ तक माता के श्रृंगार की बात की जाए, धनतेरस का, रूप चौदस का, और आज जैसे आप देख रहे हैं दिवाली का जो श्रृंगार हुआ है, हम पूरे कमेटी मेंबर्स से मिलके लास्ट ईयर से कंटिन्यू इसके बारे में काफ़ी प्लान किया, किस तरह माता का रूप ले आए, किस तरह माता को दर्शन दिए जाए। लास्ट ईयर हमने पहले चरण के दर्शन किए थे, इस बार हमने माता के अष्टभुजाओं वाला रूप दिया है, जिसमें आपने देखा होगा काफ़ी डिफरेंट है, जहाँ फूलों का काम कम और माता का तेज जो वैसे दीदी व्हाट बी वर्ड क्या बोलते हैं तेज, जो माता का तेज है वो आपको नज़र आया आज के रूप में। जय माता दी। भक्तालों का कोई हो सकते हैं, इट्स अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, कोई इसका अंदाजा नहीं है। द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रॉम द मिड ऑफ गुलजार हाउस काली कमान एंड इट्स नॉट एंड इट नेवर एंडिंग टिल नेक्स्ट टू डेज। द पब्लिक विल बी कंटिन्यूइंग टिल कंटिन्यूड Still 2 days, the continuous, the public will be coming and coin distributions will be going on. Thank you.